उकवा के ग्रामीणों ने शुरू किया नशा मुक्ति अभियान, अवैध शराब दुकान हटाने शासन को दी शिकायत। उकवा मोइन नगरी उकवा में ग्रामीणों के द्वारा नशा मुक्ति अभियान शुरू कर दिया गया है और साथ ही अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने तथा सार्वजनिक स्थान पर अवैध शराब दुकान संचालित को हटाने के लिए पुलिस चौकी उकवा एवं नायब तहसीलदार उकवा तथा एसडीएम बैहर को लिखित में शिकायत दी गई है एवं ग्रामीणों ने बताया कि आए दिन शराब के नशे में युवाओं के द्वारा मोटरसाइकिल चलाकर दुर्घटनाओं पर दुर्घटनाएं की जाती है तथा गली गली चौराहा में जो अवैध शराब बिक्री कराई जा रही है उसे बिक्री का असर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के ऊपर बुरी तरह से पड़ते नजर आ रहा है। साथ ही बाजार परिसर में देसी विदेशी शराब दुकान संचालित की गई है जबकि उसके बाजू में पशु चिकित्सालय उप स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहा है। अनेकों बार शासन को इसकी शिकायत की गई है किंतु शासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते अगर देसी विदेशी दुकान को वहां से हटाकर शासन के नियम के अनुसार संचालित की जाती है तो ठीक है, वरना उग्र आंदोलन किया जाएगा। ग्रामीण परमानंद पारधी, मुरलीधर नर्सवानी, राजेश अग्रवाल, दीपक चौक से, शिवराम झरिया, विजय पटले, जयशंकर यादव, राहुल गिरी, संजीव अग्रवाल, विजय कटरे, निखिल नर्सवानी, जलल दूध मोंगरा, सनबत्ती मरावी, उषा गिरे, कृष्णा खंगार, रामबती उइके, अंजलि देशमुख, करुणा चौक से आदि के द्वारा सभी के घर जाकर समझाइश दी गई कि इस तरह से अवैध बिक्री करना बंद कर दिया जाए अन्यथा आपके खिलाफ शिकायत की जाएगी। उकवा से अशोक राउत की खास रिपोर्ट। 140 ग्राम पाते कहाँ रहते हो? जगला। जगला से आए हो? कितने में दिया? जगला में दारू मिलती है? 140 बाटल बता। बाटल कितने की है? वहाँ पर हाथ में दो ना बाटल। जगला में दारू मिलती है? कितने की है? हमारे गांव में तो जगला में 50 रुपए मिलता है। 50 रुपए? ये कितने का है बेटा? ये कितने? 140। कितना लिखा है इसमें? इसमें कितना लिखा है रेट? हमारे पे तो पढ़ा लिखा है 110। ऐसी है इसका रेट यहाँ लिखा है 110। ऐसे हाँ 110 या 110 लिखा है तो ये दारू बत्ती वाले लोग बता रहे हैं 140। हाँ तो बताओ वापस ले जाते हो? ये यहाँ लिखा है, पढ़ा लिखा है कि नहीं? इनका वापस करो, कितना 110 है ना? वापस करो, वापस करो, दस वापस करो। बंदा चल रहा है तुम्हारा, धंधे वापस करवा रहे हो? नहीं नहीं, वो पैसा तो आपसे हुआ ना, बाकी जो एमआरपी से ऊपर कैसे दारू बिक रही है? वो एमआरपी दारू बिक रही है क्या? हाँ लाओ निकालो। नहीं ले जाते जी, ले लो चाचा, पहले ले लो ना। यार रखते ना वो बिजली का, अरे हम आते हैं अभी। ये दिखाऊं दरवाजे? दिखाएं, दिखाएगा दरवाजे। मैं उषा गिरे, आज हम लोग अभियान के तहत सभी भाई बंधु और महिलाएं सभी मिलके हम लोग दारू भट्टी गए थे। वहाँ की स्थिति देखे और स्थिति इतनी बेकार थी कि बाजू में पशु चिकित्सालय, उसके बाजू में आंगनबाड़ी है और इतनी गंदगी फैली हुई थी वहाँ पे और बदबू भी चल रही थी। और हम संचालक को पूछे और वहाँ इतने ग्राहक आ रहे थे कि उन लोग रेट के बाहर भी बिक रहे थे। और पूरे तरफ हम उकवा एरिया में गए, जहाँ जहाँ घर घर मतलब बिक रही थी, तो सबको बता के आए कि दारू बंद होना चाहिए। नहीं, पहले इंटीमेटम दिए और उसके बाद हम लोग जाके नहीं बंद करे तो फिर हम आंदोलन करेंगे उकवा में। और सभी लोग आज तो कम से कम 10-15 महिलाएं और पुरुष थे, कम से कम 50-100 सभी। जहाँ पर भट्टी संचालित है, हाँ, उसके बारे में बताइए। वहाँ रोड के किनारे 5 मतलब करीब ही है, मेन रोड से एकदम करीबी दारू भट्टी है। पारधी सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति अध्यक्ष
आप सभी से, आपके चैनल के माध्यम से मैं आबकारी विभाग और भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार और पूरी जनता की तरफ निवेदन करना चाहता हूँ, जो हमारे गांव में शराब दुकान के द्वारा जो संचालित की जा रही शराब, वो शराब गांव-गांव घर-घर में घूम पैकारों के द्वारा माध्यम से, शराब माफियाओं के माध्यम से पहुँचाई जा रही है और जो घर-घर में बिक रही है वो एक अवैध है। और हम सब ग्रामीण आप सभी से निवेदन करते हैं कि उस अवैध दारू को, शराब को बंद करें। अभी हमने जाके देखे, ग्रामवासियों ने जाके देखे, मेरे साथ पूरी महिलाएं हैं और पूरे गांव के लोग हैं, जाके देखे, इतनी गंदगी फैली हुई है उस शराब दुकान के आजू बाजू। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि उसे यथाशीघ्र साफ करवाएँ और जो गाँव गाँव में और घर घर में जो दारूआँ बिक रही है, शराब बिक रहा है, उसे यथाशीघ्र बंद करें, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, उपवा बंद किया जाएगा और शराब बंद की जाएगी। अभी पोंडी ग्राम में मेरी माता बहनों द्वारा शराब बंदी का कार्यक्रम किया गया और पूरी गांव पोंडी ग्राम में पूरी शराब बंदी हो चुकी, वैसी लगमा में भी बंद हो चुकी है, गुदमा में भी बंद हो चुकी है। और अगर ऐसे कुछ रहा, आप घर घर अगर आप शराब पहुंचाए, तो हम भी पूरी महिलाओं के साथ में, आज हमारे पास 4 हैं, कल 40 होगी, परसों 400 होगी। शिकायत की आपके द्वारा, इसके लिए हमने माननीय तहसीलदार महोदय, माननीय थाना प्रभारी महोदय सबको हमने लिखित रूप से शिकायत दे दी है और आबकारी विभाग को भी हम लिखित रूप से शिकायत दे चुके हैं।